गिर मत जाना तुझसे। कदम चालू है। तो सबसे पहले क्या बता? बेकार वाला डायलॉग मत बोल। सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए भाई, ये चाहिए, ये कैमरा मसाला यही है सब कुछ, ये है, ये अमाउंट बोलते हैं सर। नहीं भाई देखो, मैंने सोचा था मैं सबसे पहले अपना किसा बेटा डायलॉग मारूंगा, वाला डायलॉग मारूंगा कि बेटा सबसे पहले हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है आप जिंदा ही नहीं रहोगे, तो आप गोप्रो माउंट कैसे करोगे बताओ। और दूसरी चीज हमें चाहिए घर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ घर पे बैठे बैठे कैसे माउंट करें ये लड़का। तो ऑब्वियसली हमें घर भी चाहिए एक। आप जानते हैं ये क्या चीज है? अभी किसी के नीचे जाने वाला है। इसको सैंड पेपर बोलते हैं, सैंड पेपर। आप ऐसे पहचान में ना आए तो किसी के टिक नहीं रहे, तो मुझे ये टिकाना है, घिस घिस के मैं टिका दूंगा उसके। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। ये है अपना नया नॉइस प्ले 2, मेरे भाई ने लिया है, एक से छीन के लाए, एक्चुअली हमने खरीदा नहीं है। पेमेंट करना, बेचारा रो रहा था, पेमेंट कर दो बट हमने प्लेन आ रहा है क्या? हम थोड़े ज़्यादा हाई फाई जगह रहते हैं, प्लेन आ गया तो आवाज़ नहीं आ रही। माइक उधर करता हूँ, आपको दिखे तो बताना। माइक उधर गया है, प्लेन दिखे तो बताना। लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। स्टार्ट कर, छोड़, तेरे बस का नहीं है कॉमेडी करना, तो स्टार्ट कर, तू व्लॉगिंग चालू कर। ले तेरे लिए माइक पकड़ रहा हूँ मैं। नहीं, सबसे पहले आपको बता दें भाई हमें सामग्री क्या क्या चाहिए, फिर बाद में बताएंगे तड़का कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले पहले मैं म्यूजिक बजाऊंगा, ठीक है, गिटार ला रहा हूँ। तो भाई गया है गिटार लाने, गिटार अच्छा वाला लाना, भले खरीद के ला नया, बट अच्छा गिटार होना चाहिए। एक ही है, मांगो। मेरे व्लॉग में ऐसा वैसा गिटार नहीं आना चाहिए। है तो बहुत घटिया गिटार। Yeah. आता नहीं मेरे को भाई, मैं सिर्फ फोटो के लिए लाया हूँ, इसको डालना मत वीडियो में। ये आपको अगर देखो मैं माइक में दिखा रहा हूँ, दिख रहा हूँ तो ये फिर से वो चूज़ से डायलॉग मार रहा है, इसको अनसब्सक्राइब कर देना। ये लायक नहीं है। ये गिव सन का माइक है, सॉरी गिटार है। चलो चलो, सॉरी फॉर दिस बकचोदी, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या क्या चाहिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको हेलमेट पे लगाना, तो कहाँ थे हम? एक्चुअली कॉल आ गया था, तब मुझे पता नहीं मेरा लास्ट मैंने कहाँ पे एंड गया था, और ना मेरे में इतनी वो है अभी।
कि मैं वापस वीडियो चला के देख लूँ कहाँ पे थे। तो सबसे पहले आपको अगर GoPro लगाना है, सॉरी एक्शन कैमरा लगाना है अपने हेलमेट पे, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक हेलमेट ऑब्वियस है, और मेरे जैसा हैंडसम बंदा हो तो बात ही क्या है। आफ्टर हेलमेट आपको चाहिए एक एक्शन कैमरा, टू बी वेरी ऑब्वियस। फिर आपको माउंट्स हैं जो आपको कैमरे के साथ में मिल जाएंगे, अलग अलग माउंट्स आते हैं जो आपको कंफर्टेबल होता है। मेरे इसके साथ में 2-3 माउंट्स अलग अलग आए थे, बट मेरे लिए ये वाला माउंट बेस्ट था क्योंकि इसमें ये पोर्शन एडजस्टेबल है। इसको लूज करना था, छोटा बच्चा है। एक मिनट, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बिकॉज मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये पहली बार लगा रहा हूँ ना मैं एक्शन कैमरा, इसके बस का नहीं है। सबसे पहले चलो बता, सबसे पहले आएगी ये है क्या, पेंसिल एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में इस पर लगाएंगे जिससे कि सरफेस लेवल। जस्ट मिनट रुको, मैं सबसे पहले आपको आइटम्स बता देता हूँ, फिर लगाते वक्त आपको अलग बकचोदी दिखाएंगे। मैं नहीं दिखाऊंगा, ये दिखाएगा। सबसे पहले आपको चाहिए 2-3 माउंट्स जो आपके कैमरे के साथ में आपको मिल जाएंगे। आपको कैमरा चाहिए, आपको सैंड पेपर चाहिए, आपको एमसील चाहिए, या जैसे मैं ये बहुत ब्रांडेड लेके आया हूँ बॉन्ड सेट करके। इसका कैमरा खराब है, हमेशा मिरर इमेज ही दिखाता है। हाँ, इसके लिए आपको शीशे के सामने बैठना पड़ेगा, इसने पहले व्लॉग में बता रखा है। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे हो तो आपके हेलमेट का जो फ्रंट सरफेस होता है वो होता है थोड़ा स्मूथ, तो उसके ऊपर एमसील टिकेगी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इसको घिसना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये सैंड पेपर 60 नंबर का, 60 नंबर का, 59 नंबर हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको 60 चाहिए, 59 नंबर नहीं होना चाहिए। हार्ड पर हमें मिल गया, ठीक है, ये हमारा आ गया एक पीस। बॉडी बिल्डर बंदा है, इसने सैंड पेपर फाड़ दिया, बोलो और क्या चाहिए। अब हम इसके भी फाड़ेंगे, घिसाई करेंगे। तो हम इसकी तैयार हैं फाड़ने के लिए। गिस बेटा, और ज़्यादा मत करना, थोड़ा थोड़ा ही करना है, बस इतना इस पोर्शन तक करना है। लाइक जो ऊपर जो लश्कर है ना वो खत्म करना है, इसको थोड़ा सा खुरदरा बनाना है, स्मूथनेस इसकी खत्म करनी है। और चाहो तो जैसे दोस्त वगैरह का है तो ना आप और भी गलत तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त ऐसा थोड़ा बहुत चिल्ला लेगा, कोई बात नहीं, पर अपना काम तो हो ही जाएगा, तो आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है वैसे सारा कुछ। वैसे आपका जैसे ये गंदा हो रखा है तो इसको और गंदे करने के लिए आप इस पर थूक भी सकते हो। यार आप मतलब मेरी बातों को मजाक में मत लेना, मैं सीरियस हूँ। सब कुछ सीरियस है, आप वाट लगा सकते हो दोस्त के हेलमेट के। ओहो, इसमें खड्डे से हो गए, यही तो मैं चाह रहा था। अब इसने अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए, जबरदस्ती हंस रहा है, मैं इसके एक्सप्रेशन देख पा रहा हूँ। मुझे दिखा के कुछ नहीं हो रहा, अपने एक्सप्रेशन दिखा। मैं भी स्माइल दे रहा हूँ। अब तो ये फेक स्माइल सबको दिखानी पड़ेगी, तेरे हेलमेट की लग गई है। तो अब बारी आई इनका नंगा करने की, कपड़े उतार दिए जाए। ओके, तो हमारे पास ये रेडी हो चुका है, इसको बढ़िया सा मिक्स करेंगे। ओके, तो हमारे पास लड्डू रेडी हो गया इस हेलमेट के लिए। तो बेसिकली हमें ये पोर्शन इसके आगे ऐसे लगाना है, और मैं ये डबल टेप से काम कर सकता हूँ, बट डबल टेप ज़्यादा स्टेबल रहेगी नहीं, इसलिए हम एमसील यूज़ कर रहे हैं। एमसील काम बनाए पक्कम पक्का। पक्कम पक्का क्या होता है? पक्कम पक्का होता है ये। कुछ भी मतलब ऐसे ब्लॉग नहीं चलेगा। पक्कम पक्का ये क्या होता है? इतना गंदा तो साला ढिंचक पूजा नहीं करती। तो ढिंचक पूजा फेमस हुई ना।
गाली खा सकता है उसके अलावा। तो थोड़े इसको अब हम मेरे पक्का होने के लिए छोड़ेंगे जैसे। अब ये तो लगा, क्या ये लगा ही छोड़ेगा ना, मैं डबल टेप लगा दे इसके पीछे। वही तो बोल रहा हूँ। जैसे पंखे कर रहे हैं, प्रेस कर देना अच्छे से। क्या माइक लगा ही नहीं, इतना प्रेस कर दो गेट टूट जाए। और इसको है ना मतलब साइड में से थोड़ा थोड़ा इसको भी कवर कर दे, कवर कर इसको, हाँ इसको कवर कर दे पूरा, ऊपर मतलब कभी वरना कुछ अड़ जाएगा, कभी कुछ करना है ना कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो हमने माउंट का जो मेन माउंट होता है इसके एक्शन कैमरे के लिए वो पॉइंट कर दिया, बाकी सारे माउंट इसमें लग जाएंगे और वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे मेन होता है जो आपको लगाना है, इट्स नॉट। अब बस हमें थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही, बिकॉज थोड़ी देर नहीं, इसको ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ना पड़ेगा। एक दिन नहीं नहीं ये जब तक सूखेगा नहीं तब तक छोड़ना। हाँ तो दो चार घंटे समझ दो, दो चार घंटे इसको छोड़ना पड़ेगा। फेविक्विक थोड़ी है जो दो चार घंटे में काम जाएगा तेरा। ओके गाइस सो वी आर रेडी, चलो ऐसा कुछ दिखेगा आपको लगने के बाद में। बेसिक कॉमन है, आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख सकते हो, जैसे आप मेरा देख रहे हो अभी, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं बट देखना है मेरा ही। दूसरों को देखना इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं, अब कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बकचोदी है। तो अराउंड अराउंड लग 3 घंटे के बाद में ये रेडी है, अभी भी ठीक है बट अभी ओके, मैं इस पर कैमरा माउंट अप कर सकता हूँ। तो अभी ये दो माउंट्स हैं, अब इनको माउंट्स के कुछ नाम होंगे तो मुझे नहीं पता, बट जो भी है ये वाला माउंट और ये माउंट, इसका नाम है शकुंतला देवी, इसका नाम है प्रताप, सॉरी उल्टा बोल के, ये प्रताप है, ये शकुंतला देवी है। तो प्रताप समझ सकते होंगे, अब हम प्रताप को शकुंतला देवी में लगाएंगे। मैं बताता हूँ तू लगा मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ अच्छे से, नहीं करना तू बस प्रताप, प्रताप शकुंतला देवी। अब आप एक्सप्रेशन जो वॉइस से वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये रेडी हो चुका है प्रताप और शकुंतला देवी, एक हो गए, माउंट करना है, अब इसको माउंट करना है, बस माउंट करना है। लाइक अभी थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं गिरे हेलमेट, टाइम नहीं हुआ है इसे, हेलमेट को इसको लगाए हुआ एमसील को, तो इसको थोड़ा हल्के हल्के से करेंगे, थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं इसमें। एंड नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट टाइम जब ये हमें खोलना होगा तो मैं नॉर्मली बस ये यहाँ से ये चीज़ इसको खोल के और ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो उसको बार बार फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, उसको बार बार नहीं दबाना पड़ेगा, यहाँ से डट निकालो करो ये वो, ये फ्री है बस, इसको डालो और स्क्रू टाइट कर। दिस इज इट, ऐसे आप लगा सकते हैं घर पे बैठे बैठे कैमरा का माउंट।